नरखेड़ तहसील के आगरा गांव में तकरीबन 1300 किसान हजारों क्विंटल कपास बेचने के लिए सरकार केंद्रों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश के मौसम का आगाज हो रहा है, लेकिन अफसोस कि आज कोई भी सरकार की ओर से कपास का केंद्र नहीं खुलने से गांव में किसानों में चिंता और असंतोष दिखाई दे रहा है। सावनेर से पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे की ये रिपोर्ट। भारत यह कृषि प्रधान देश है, इस देश को कभी कभार सोने की चिड़िया का देश भी कहा जाता था, क्योंकि इस देश की मिट्टी को हरा भरा और खिलखिलाने का काम किसान करता है। किसान को इस देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। किसान इस देश की आन बान और शान है, लेकिन अफसोस कि आज सरकार का किसानों की तरफ ध्यान कुछ कम है, जिसके चलते किसानों द्वारा किया गया कपास का बम्पर उत्पादन मिट्टी मोल हो रहा है। नरखेड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले आगरा गांव के तकरीबन 1300 किसानों के पास हजारों क्विंटल कपास घरों में पड़ा है। अब तक के सरकारी केंद्र द्वारा कोई खरीदी बिक्री नहीं होने से किसानों का कपास इंतजार में है। विदर्भ मराठवाड़ा मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापसाचं उत्पादन झालं, पण कापूस हा शेतकऱ्याच्या घरीच पडलाय। महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी होती की कापूस खरेदी करण्याकरता आवश्यक केंद्र हे प्रत्येक गटाला करायला पाहिजे होते, परंतु महाराष्ट्र शासनाने यंत्रणा उभी केली नाही। काही केंद्र सुरू केले पण ग्रेडर नाही आहे। ग्रेडर आहे तर शेतकऱ्यांना परत पाठवत आहेत, व्यापाराही खुल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना लुटमार करत आहेत। शेतकऱ्यांना कापसाचा 5500 रुपये क्विंटल हमीभाव मिळत नाही आहे। व्यापारी 3000-4000 रुपये शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात खरेदी करण्याचं प्रलोभन करत आहे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ 15 दिवसाच्या आतमध्ये प्रत्येक रेवणी सर्कलमध्ये महसुली क्षेत्रामध्ये एक केंद्र तयार करून यंत्रणा उभी करून 5500 रुपये भाव शेतकऱ्यांना द्यावा आणि 100% कापूस खरेदी करावा अशी विनंती माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी करतो आहे। सरकार द्वारा कपास की खरीदी नहीं की जाने से प्राइवेट लोग कम दामों पर किसानों से यह कपास मांग रहे हैं। दर्शकों, इस समय में इनविशन की टीम काटोल के अंतर्गत आने वाले आगरा इस गांव में है। आगरा के गांव में इनविशन की टीम इसलिए आई हुई है क्योंकि यहां के किसान जो कपास उत्पादक है, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपको इन गांव के जो किसान हैं उनसे रूबरू करवाएंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कपास का जो उत्पादन हो रहा है उसको लेके उन्हें न्याय मिल रहा है या नहीं। कोरोना के वजह से थोड़ा लॉकडाउन की वजह से वो घर में ये सब बंद था, अभी लॉकडाउन खुला है, तो मेरी सरकार से विनती है कि सरकार ने अभी खरीदी चालू करके किसानों को न्याय देने को होना, और भाव अभी वो किसान बेचने के लिए जा रहे तो प्राइवेट वाले 4000 रुपये क्विंटल से मांग रहे। मेरी गुजारिश है कि पिछले साल जो 6000 रुपये क्विंटल कपास खरीदा था उसके हिसाब से अभी चालू करके किसानों को न्याय देने को होना। भारत यह कृषि प्रधान देश है, मगर आज देश का किसान तिल तिल मर रहा है। किसान दिन रात एक करते हुए अपना पसीना बहा रहा है और लोगों को अनाज की पैदावार हो या पहनने के लिए जो हम कपड़े जो पहनते हैं उसके लिए जो कॉटन यानी कपास जो लगता है उसका उत्पादन भी कर रहे हैं, मगर अफसोस कि आए दिन सरकार की ओर से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कम कीमत में इन किसानों का कपास खरीदने के लिए सरकार तैयार है। फिर भी सरकार ने अब केंद्र भी शुरू नहीं किया है। बारिश का मौसम है, ऐसे में इन लोगों के बड़े हाल हो रहे हैं। इनका कपास घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, इतना कपास इन लोगों ने अपने घर में ठूस ठूस कर रखा है। अगर ये लोग कहीं बेचने के लिए जाते तो कोई भाव नहीं देते। किसी के बच्चे की शादी है तो किसी की पढ़ाई है, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम भी होता है, सुख दुख के कार्यक्रम आते हैं, ऐसे में पैसे की बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पैसा होना चाहिए। इसलिए ये लोग फिर आखिरकार प्राइवेट जो लोग हैं, जो संस्थान है, जो खरीदार है, ऐसे दलालों को भी 4000 के भाव से प्रति क्विंटल कपास बेच रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, लेकिन इनके मजबूरी का कोई गलत फायदा न उठाए सरकार इस ओर ध्यान
ध्यान दे और किसानों को न्याय दे। जब तक इस देश का किसान जिंदा रहेगा या उसके जो कामकाज सुचारू ढंग से अच्छे रहेंगे, तब कहीं हम देश के नागरिक भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि देश का जवान और देश का किसान ये सबसे पहले नंबर पे आता है और हम उन्हें सलाम करते हैं। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, यही गुहार पूरे भारत राष्ट्र और आगरा के तमाम तमाम किसान सरकार से कर रहे हैं। आगरा के इस गांव से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मुरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।